हेलो फ्रेंड्स, माय ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग बाय मार्शल लिंक का स्टडी कर रहे हैं और हम लोग हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड और लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड को समझने की कोशिश करेंगे थ्रू आउट द बुक। सो फ्रेंड्स, ये हमारा हाई प्रोबेबिलिटी का पार्ट टू है। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो आप जा कर के पहले पार्ट वन देखिए और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग प्रीफेस अभी पढ़ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मार्शल लिंक लिखते हैं, मेनी ट्रेडिंग बुक्स आई हैव रीड मेक इट सीम दैट ट्रेडिंग इज पीस ऑफ केक एंड दैट एनीवन कैन डू इट आफ्टर रीडिंग द बुक, कि जिसे कोई भी कर सकता है कुछ किताबें पढ़ करके। लेकिन ऐसा नहीं है। रीडिंग हेल्प कर सकता है, बट एक्सपीरियंस विल बी द बेटर टीचर। वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ इम्प्रूविंग इन माई ओपिनियन इज़ बाई करेक्टिंग पास्ट मिस्टेक। फ्रेंड्स, ये लिखते हैं कि पास्ट मिस्टेक को सुधार करके हम लोग अपने ट्रेडिंग को बेटर कर सकते हैं। कुछ किताबें पढ़ लेने से आप एक बेस्ट ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। एक्सपीरियंस विल बी द मास्टर की। इट इज ईजी एनफ टू टेल अ ट्रेडर हाउ टू ट्रेड एंड to teach him that trade offering the highest potential reward for the lowest risk offer high probability of success. Friends, कौन से trade हमारे लिए high probability of success को बताएगा? तो जो trade friends lower risk पे higher return देता हो वो trade high probability होगा और उसमें success होने का भी probability आपका ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि friends long term में, लॉन्ग रन में आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं अगर उसमें आपका रिस्क कम और रिवार्ड ज़्यादा है। फ्रेंड्स, इसमें एक और चीज़ की चर्चा की जा रही है कि नो बुक कैन टीच यू हाउ टू हैंडल लॉस मेंटली और हाउ इमोशन अफेक्ट वंस ट्रेडिंग, कि आपके लिए कोई भी ऐसी किताब नहीं है जो आपको ये बता सके कि आप लॉस को इमोशनली कैसे हैंडल करेंगे और उसको लॉस को, जो भी आपके ट्रेडिंग में लॉस हो रहे हैं उसको आप कैसे हैंडल कर पाएंगे। पेपर ट्रेडिंग फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे हमारे लिए मददगार हो सकता है पेपर ट्रेडिंग। बट पेपर ट्रेडिंग के साथ क्या है कि वहाँ पे आप रूल को तो फॉलो कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही आपका रियल मनी लगता है मार्केट में, व्हेन द रियल मनी इज़ ऑन द लाइन दे बिगिन टू इग्नोर दिस रूल्स। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते हैं, रूल्स को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। और फ्रेंड्स, एक और चीज़ है कि अगर हम पेपर ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें हमारा इमोशन उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है जितना ज़्यादा कि हम रियल मनी के साथ इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। फ्रेंड्स, आगे लिखते हैं मार्शल लिंक कि जब आप शुरुआती सालों में कुछ साल ट्रेड करेंगे तो आप बहुत सारे मिस्टेक करेंगे। ये मिस्टेक इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये आपको रियलाइज़ कराएंगे कि व्हाट दे आर डूइंग रॉन्ग कैन दे स्टार्ट टू कंसंट्रेट ऑन नॉट मेकिंग दोज मिस्टेक ओवर एंड ओवर अगेन। तो फ्रेंड्स, आपको ये मिस्टेक से सीखने को मिलेगा कि इन मिस्टेक को बार बार दोहराना नहीं है, क्योंकि उससे आपके पैसे लॉस हो रहे हैं, आपका रियल मनी लॉस हो रहा है। उन मिस्टेक्स को आप अवॉइड करके, उन बैड ट्रेड को अवॉइड करके आप एक अच्छे ओवरऑल ट्रेडर बन सकते हैं। कुछ ट्रेडर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू शो व्हाई सम ट्रेड्स आर बैड इवन इफ दे टर्न आउट टू बी विनर्स। फ्रेंड्स, कुछ ट्रेड जो होती हैं वो बैड ट्रेड हैं इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे आर विनर्स। कुछ ट्रेड में हमें प्रॉफिट होता है फ्रेंड्स, लेकिन उसके बावजूद भी वो ट्रेड बैड ट्रेड है। क्यों? क्योंकि उसमें हमारा रिस्क जो है वो ज़्यादा है और रिवार्ड कम है। फ्रेंड्स, वो सारे ट्रेड आपके बैड ट्रेड होंगे जिसका रिस्क ज़्यादा और रिवार्ड कम है। तो फ्रेंड्स, इन ट्रेड को हमें अवॉइड करना है। सम ट्रेड्स आर नॉट वर्थ द रिस्क एंड शुड नेवर बी डन। ऐसे ट्रेड को हमें कभी भी करना नहीं चाहिए जिसमें रिस्क ज़्यादा हो और रिवार्ड कम हो। और वे सारे ट्रेड अच्छे ट्रेड हैं जिसमें कि रिस्क लोअर है और रिवार्ड
अधिक है। फ्रेंड्स आगे मार्शल लिंक लिखते हैं, वन सेकेंड सर, ओके सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। आगे लिखते हैं, आई मे टेंड टू रिपीट मेन पॉइंट्स थ्रू आउट द बुक। इसमें मेन पॉइंट्स को बार बार रिपीटेशन मिल सकता है, लेकिन इसलिए ऐसा नहीं किया जा रहा है कि एक मोटी किताबें बन सके, बल्कि इसलिए किया जा रहा है ताकि ट्रेडर्स के जो माइंड्स है उसमें ये बैठ सके बात। जो भी ट्रेडर्स हैं या रीडर्स हैं उनके माइंड में ये बातें बैठ सकें। इस बुक को आप पढ़ करके क्या सीखेंगे, तो आप डिफरेंशिएट करना सीख जाएंगे, आप अपॉर्चुनिटी को पहचानना सीख जाएंगे और विनिंग अप्रोच लेना सीख जाएंगे। अगर आप इसे पढ़ रहे हैं और आप पैसा खोए हुए हैं, आपने मार्केट में लॉस किया है, तो ये बुक आपको हेल्प करेगी कि क्या प्रॉब्लम हुई थी जिसके कारण आप लॉस कर रहे हैं। ये आपको इस बात में भी हेल्प करेगी कि व्हेन टू ट्रेड एंड व्हेन नॉट टू ट्रेड, कि आपको कब ट्रेड करना है और कब नहीं करना है। इट विल हेल्प यू टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस एंड हाउ टू राइट अ ट्रेडिंग गेम एंड मनी मैनेजमेंट प्लान विदाउट विच वन शुड नॉट गो अहेड। फ्रेंड्स ये बुक हमें ये भी बात बताएगी कि हमें इस गेम को कैसे प्ले करना है, हमारा मनी मैनेजमेंट क्या होना चाहिए और इस ट्रेड में हम कैसे बने रहें। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए और वो ट्रेडिंग प्लान अच्छे से इलेबोरेटेड होना चाहिए कि आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ये सभी ट्रेडर का डिफरेंट हो सकता है और ये आपका अपना पर्सनल होना चाहिए। जैसा कि ये लिखते हैं कि इन्होंने स्टॉक और कमोडिटी दोनों में ट्रेड किया है, तो आई विल टॉक अबाउट बोथ थ्रू आउट दिस बुक एंड विल यूज द टर्म मार्केट टू रेफर बोथ। ये कहते हैं कि हम मार्केट जब भी शब्द यूज करेंगे तो ये कमोडिटी और स्टॉक दोनों होगा, क्योंकि ये दोनों में ट्रेड कर चुके हैं। दिस बुक वॉज ओरिजिनली प्लान टू फोकस ऑन कमोडिटी ट्रेडर्स बट आई एक्सपेंडेड इट टू बेनिफिट इक्विटी ट्रेडर्स एज वेल। ये बुक में बताते हैं कि ये दोनों में ट्रेड कर चुके हैं और ये बुक जो है वो कमोडिटी के साथ साथ इक्विटी में भी बेटर ट्रेड ढूंढने में आपकी मदद करेगी। ये कहते हैं कि कुछ डिफरेंसेज जरूर हैं, देर आर सम डिफरेंसेज सच एज मार्जिन, लिवरेज, सॉफ्टवेयर, एक्सपायरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लिमिट लॉक्स, बट फॉर द मोस्ट पार्ट यू कैन ट्रेड वन, यू कैन ट्रेड द अदर। ये कहते हैं कुछ डिफरेंसेज जरूर है, जैसे कि लिमिट में है, सॉफ्टवेयर में है, एक्सपायरिंग में है, लिवरेज में है, मार्जिन रूल्स में है, लेकिन अगर आप फ्रेंड्स एक को ट्रेड करना सीख जाते हैं तो आप दूसरे को भी कर सकते हैं। द बुक डज हैव अ बायस टुवर्ड द शॉर्ट टर्म ट्रेडर बट इट्स ओवरऑल गोल इज टू हेल्प ऑल ट्रेडर्स फ्रॉम बिगिनर टू सीजन वेट्स वेदर दे आर शॉर्ट टर्म डे ट्रेडर्स और पोजिशन टेकर्स। फ्रेंड्स हमें ये बताते हैं कि ये बुक जो है वो सारे ट्रेडर के लिए है जो ट्रेडिंग करते हैं, आइदर दे आर शॉर्ट टर्म ट्रेडर और दे आर पोजिशन टेकर्स। फ्रेंड्स इस बुक को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में भी कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा व्हाट इज़ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके थैंक यू।